हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो इसके लिए मैंने ये 2.5 किलो गाजर ले ली है और इसको हम धुल लेंगे अच्छे से ताकि इसकी मिट्टी वगैरह जो भी होंगी वो साफ़ हो जाएगा। ये सारी गाजर हमने धुल दी है। अब इसका ये वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट हम काट देंगे, बाकी हम छील देंगे पीलर की हेल्प से। अब हम इस गाजर को घिस लेंगे इसमें। तो हमने सारी गाजर कस ली है, अब इसको हम फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में घी गरम करती हूँ। मैंने 3 बड़े चम्मच घी डाल दिए थे। घी हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। गाजर के हलवे के लिए हमें जो रेड वाली गाजर होती है वो यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उनमें थोड़ा मिठास होती है। एक मार्केट में ऑरेंज कलर की होती है, उनमें मिठास कम होती है, तो हमने रेड वाली गाजर यूज़ करी है। अब हम इसे 10 या 15 मिनट तक थोड़ा सा ढक्कर रख देते हैं, पकने देते हैं इसे। अब हम इसे चेक कर लेंगे, थोड़ा सा तरह से मिला लेंगे। फिर इसमें 1 लीटर के लगभग दूध डाल देंगे। अभी हम इसे पकने देते हैं थोड़ा धूप में और इसे ढक के रख देंगे। हमें बीच बीच में से चेक करते रहना है और इसे तब तक पकाना है जब तक इसका पूरा ये दूध सूख ना जाए। अब दूध लगभग सूख चुका है तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो इसमें मैं 2 बड़ी कटोरी के लगभग चीनी डाल दूंगी। इसे थोड़ी देर पकने देंगे, खुला ही पकने देंगे इसे। जब तक हमारा हलवा बन रहा है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स काट लेंगे। इसमें हम अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैं इसमें काजू, बादाम और किशमिश ऐड करूँगी। ये मेरे पास 250 ग्राम मावा है तो इसको हम इस गाजर के हलवे में डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे तोड़ के डालना है। ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। और इसे मैंने बचा लिया है, इसे बाद में डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर दूंगी। फ्लेवर आएगा। 10 मिनट पकने देंगे। इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें 2 छोटी चम्मच के लगभग इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अब हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है तो हम गैस ऑफ कर देंगे और
एक बाउल में निकाल देंगे। तैयार हो चुका है, आप भी बनाइए और खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।